हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरा बेटा कबीर जो अभी 2.8 इयर्स का है, वो जब टीवी देखता है तो वो टीवी पे किस तरीके के प्रोग्राम्स देखता है। ये आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि इतने छोटे बच्चों को जब हम स्क्रीन टाइम देते हैं, जितनी भी देर का, डिपेंडिंग ऑन आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, तो हम उस स्क्रीन टाइम को क्वालिटेटिव कैसे बना सकते हैं, क्या प्रोग्राम्स उन्हें दिखा सकते हैं जिससे कि वो कुछ ना कुछ सीखें और वो उनकी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट ही करें, उनको नुकसान ना करें। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ आपको इस वीडियो का। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो किया था स्क्रीन टाइम के ऊपर कि क्या बच्चों को स्क्रीन टाइम देना चाहिए, अगर हाँ तो कौन सी एज से, उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, और किस तरीके से हम स्क्रीन टाइम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने वो दो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उन्हें ज़रूर देखिए, उनसे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। उन वीडियोज़ पर मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आया कि आप कबीर को क्या दिखाते हो, या जब आपने स्क्रीन टाइम देना शुरू किया तो आप क्या दिखाते हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उसके फेवरेट शोज़ क्या हैं और ये शोज उसके फेवरेट क्यों हैं। तो सबसे पहला शो जो वो बहुत ज़्यादा देखता है वो है स्टीव एंड मैगी। मैं इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगी। स्टीव एंड मैगी एक बहुत एंटरटेनिंग शो है, इंग्लिश इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जो स्टीव प्रेजेंटर है वो काफ़ी अच्छा प्रेजेंटर है, उससे बच्चे बहुत ईजिली कनेक्ट करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं जिस तरीके से वो बात करता है। साथ में उसकी पार्टनर है एक बर्ड जिसका नाम है मैगी, तो द वे दे कम्युनिकेट आपस में, उससे बच्चों को बहुत मज़ा आता है। इस शो पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट फ्रॉम अ लॉट ऑफ वर्ड्स दैट यू कैन यूज़, उन वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हो, फ्रॉम एनिमल्स टू साउंड्स टू राइम्स, मतलब यू नेम इट एंड एवरीथिंग इज़ देयर। दिस इज़ लाइक अ टीचिंग चैनल जहाँ पे एक फ़न वे में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, गुड हैबिट्स के बारे में सिखाया जाता है। तो देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस चैनल एंड दिस इज़ समथिंग दैट कबीर रियली रियली लव्स। उससे आप पूछोगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी क्या है, तो ही वॉन्ट्स टू वॉच स्टीव एंड मैगी। तो यू शुड चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ एंड सी दैट इफ़ यू फाइंड इट रेलिवेंट। सेकेंड शो जो कबीर बहुत देखता है वो है ब्लिपी। अब ब्लिपी एक अमेरिकन एंटरटेनर है, ये चैनल भी इंग्लिश में ही है, एंड ब्लिपी का एंटरटेनिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग है। वो एक इंडिविजुअल प्रेजेंटर है और वो क्या करता है, वो थोड़ा रियल टाइप ऑफ शो करता है। वो भी सिखाता है बहुत सारी चीज़ें, बट रियल स्किल्स सिखाता है, जैसे कि वो एक प्ले हाउस को विजिट करेगा और प्ले हाउस में कैसे खेलना चाहिए बच्चों को वो सिखाएगा। वो एक कार वॉश करेगा, कार के बारे में सब कुछ सिखाएगा कि कार में कितने व्हील्स होते हैं, कार को कैसे यूज़ किया जाता है, क्या सेफ्टी होती है क्या नहीं होती। वो एक फायर फाइटर का प्रिटेंड प्ले करेगा कि जब एक फायर फाइटर को कॉल आती है तो वो कैसे ड्रेसअप करते हैं, उनके क्या एक्शंस होते हैं। ये सब चीजें अपार्ट फ्रॉम लर्निंग अबाउट थिंग्स बच्चों को हेल्प करती है टू डू प्रिटेंड प्ले, विच इज समथिंग दैट दे लव टू डू एट दिस एज। इस एज में बच्चे सिर्फ टॉयज के साथ नहीं खेलते हैं, उनकी क्रिएटिविटी तब काम करती है जब वो उन्हीं टॉयज को यूज करके कुछ प्रिटेंड प्ले बनाते हैं। तो जैसे कबीर को बहुत पसंद है कि अगर वो एक पुलिस ऑफिसर बन रहा है तो वो कैसे पुलिस ऑफिसर की तरह एक्ट करेगा, वो दूसरों को सीन्स बताएगा कि आपको ये करना है ये करना है। तो ये सारी चीजें वो वहां से सीखता है कि रियलिटी में इन सब चीजों को आप यूज कैसे कर सकते हो। तो ब्लिपी इज ऑल्सो वेरी फनी। उसका ड्रेसअप स्टाइल जो है वो एक ही ड्रेस है जो वो हमेशा पहनता है, तो यू कैन ऑलवेज रिकग्नाइज। बहुत राइम्स के तरीके से, सॉन्ग्स के तरीके से, बात करने के तरीके से वो आपको सिखाता है। तो वेरी गुड वे टू लर्न हाउ टू स्पीक, वेरी गुड वे टू लर्न एक्सप्रेशन, वेरी गुड वे टू लर्न डिफरेंट थिंग्स दैट चिल्ड्रन शुड लर्न। और काफी बड़ी एज तक के बच्चों के रेलिवेंट शोज जो हैं वो ब्लिपी पे आपको मिल जाएंगे। तीसरा जो शो है वो है बेबी बस। बेबी बस के जो कैरेक्टर्स हैं वो उसको बहुत पसंद आ रहे हैं। उसमें दो पांडास हैं और दो कैट्स हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये सब आपस में फ्रेंड्स हैं। और बेबी बस भी इसी तरीके का शो है जहाँ पे बहुत सारी राइम्स हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट तरीके की आपको स्टोरीज सुनाते हैं, गुड हैबिट्स के बारे में बताते हैं, स्ट्रेंजर्स के बारे में बताते हैं, जैसे जिनको अपने बच्चों को एनकरेज करना है कि उनको पॉटी करनी चाहिए, उनको ब्रश करना चाहिए, दीज आर ऑल गुड हैबिट्स, स्ट्रेंजर्स से कैसे उनको बात नहीं करनी चाहिए, स्कूल जाना कितना फ़न है। So, ये वाला जो बेबी बस है ये आपको वो सारी चीजें सिखाता है। अगेन ये भी इंग्लिश बेस्ड ही चैनल है, बट आपको ये सब चीजें यहां से देखने को मिलेंगी और बहुत फन है। तो बड़े लविंग कैरेक्टर्स हैं जो बच्चे काफी एसोसिएट करते हैं।
चौथा उसका फेवरेट शो है कोकोमेलन। कोकोमेलन वो ज़्यादा राइम्स के लिए देखता है। जब कभी का स्कूल स्टार्ट होना था उससे पहले जो कोकोमेलन की स्कूल राइम्स है वो काफ़ी देखता था। कोकोमेलन की जो राइम्स है ना वो बहुत क्लीन है और एक फैमिली है जो टुगेदर आती है इन डिफरेंट राइम्स, तो बच्चा इससे बहुत कुछ सीखता है कि हाउ अ फैमिली स्पेंड्स टाइम टुगेदर, दे हैव अ गुड टाइम। तो बड़ा एक अलग सा उसे पिक्चर मिलता है कि मॉम डैड कोकोमेलन का जो बेबी है, ब्रदर सिस्टर, एवरीबडी कम्स टुगेदर टू डू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गुड हैबिट्स के बारे में मिलता है, क्लीनिंग टॉयज के बारे में मिलता है, सेलिब्रेशंस कैसे करनी चाहिए उसके बारे में मिलता है, एक्सप्रेसिंग लव फॉर फैमिली उसके बारे में मिलता है। सो देर आर जस्ट सो मेनी डिफरेंट वीडियोज एंड देर आर वेरी आइडिया, वेरी आई कैची। तो ये कबीर को देखना बहुत अच्छा लगता है। देन द नेक्स्ट वन इज चूचू टीवी। अब चूचू टीवी में आपको काफ़ी राइम्स भी मिलेंगी, सॉन्ग्स भी मिलेंगे और चूचू टीवी में स्टोरीज भी मिलेंगी। कबीर को इन पर्टिकुलर चूचू टीवी का स्टोरी टाइम बहुत पसंद है। तो जो चूचू टीवी का स्टोरी टाइम है वो ज़्यादा स्कूल बेस्ड स्टोरी टाइम है, गुड हैबिट्स बेस्ड स्टोरी टाइम है, मॉरल बेस्ड स्टोरीज जो होती हैं वैसे वाला स्टोरी टाइम है कि कभी आप घूम जाते हो तो किस तरीके से आपको यू नो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, या आप क्या चीज़ें करो सो दैट यू आर नॉट लॉस्ट। बहुत छोटी छोटी स्टोरीज जिनको बहुत क्लियरली कम्युनिकेट किया जाता है इंग्लिश में कि एक बच्चा भी उन्हें समझ सके अच्छी तरीके से, और बहुत क्लीन लैंग्वेज, बहुत क्लीन तरह से डिपिक्ट किया जाता है। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा कि जो चूचू टीवी का स्टोरी टाइम है दैट्स एक्चुअली समथिंग जिसके बाद आप कुछ ना कुछ लर्न डेफिनेटली करोगे। शेयरिंग कैसे करते हैं, हेल्प कैसे करते हैं, थिंकिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको चूचू टीवी स्टोरी टाइम से मिलेगी। और लास्ट कुछ ऐसे शोज़ हैं जो वो देखता है ऑन एंड ऑफ, अभी तक उसकी फेवरेट लिस्ट में नहीं है, नॉट दैट समथिंग जो वो कहेगा कि मुझे ये देखना है, बट ऑन एंड ऑफ इसे देख लेगा। तो जैसे पेपा पिक, मुझे पेपा पिक भी काफ़ी अच्छा लगता है। पेपा पिक का जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है बहुत क्लीन लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से वो वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, वोकैबुलरी बहुत अच्छी यूज़ की जाती है। एंड वहाँ पे भी बड़ा अच्छा फैमिली सेटअप दिखाया जाता है, स्कूल सेटअप दिखाया जाता है, फ्रेंड्स के साथ आपको कैसे बिहेव करना है वो दिखाया जाता है। सो आई रियली लाइक पेपा पिक ऑल्सो, बट अभी कबीर को बहुत अच्छा नहीं लगता है, ही स्लोली गेटिंग कंफर्टेबल विद इट। इसके अलावा वो छोटे छोटे वीडियोज देखता है जैसे एवेंजर्स, वो उसका फेवरेट है, तो एवेंजर्स के जो छोटे छोटे मूवी क्लिप्स आते हैं यूट्यूब पे वो देख के उसे सुपर हीरो प्ले करना बहुत पसंद है, जो वो देखता है वो फिर प्रिटेंड प्ले में यूज करता है। डायनासोर्स रिलेटेड उसको देखना बहुत पसंद है, जैसे जुरैसिक वर्ल्ड के छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं। एट अ स्ट्रेच उसने अभी तक मूवी बैठ के घर में नहीं देखी, और जब हम थिएटर में भी गए वहाँ पे भी हमने ऐसे प्लान किया कि वो सो गया, बट छोटे छोटे क्लिप्स जैसे 2 मिनट का क्लिप हो गया, 3 मिनट का क्लिप हो गया, तो वो उसे काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। एंड थोड़ा बहुत जो गुड मॉरल स्टोरीज आती है वो मैं लगाने की कोशिश करती हूँ ताकि उससे वो कुछ ना कुछ लर्न करे, वो आपको इजीली मिल जाती है डिफरेंट चैनल्स पे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं ये कबीर देखता है। आप सोच रहे होगे कि सारे वो इंग्लिश बेस्ड चैनल्स क्यों देखता है, हम कबीर से हर तरीके की लैंग्वेज में बात करते हैं, उसके दादा दादी उससे बंगाली में बात करते हैं, उसके नानी नानू उससे हिंदी में बात करते हैं, मैं और सौरभ इंग्लिश में और हिंदी का मिक्स में बात करते हैं, बट वो किस में बात करना चाहता है या वो क्या देखना चाहता है वो चॉइस हम अभी उसके ऊपर छोड़ देते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट फ्रीडम इज समथिंग दैट वी शुड डेफिनेटली पास ऑन हिम। तो उसको इंग्लिश वीडियोस देखना ज्यादा पसंद है, तो दैट्स हिज पर्सनल चॉइस, बट इनमें से काफी वीडियोस आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे, तो आप हिंदी में भी देख सकते हो, और क्लीन चैनल्स हिंदी में भी हैं तो आप वो भी बच्चों को दिखा सकते हो। बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश का एक्सपोजर देना बच्चों को शुरू से ही अच्छा है, बिकॉज मदर टंग तो वो सीखेंगे, हिंदी वो डेफिनेटली सीखेंगे, बट इंग्लिश का भी जितनी जल्दी उन्हें एक्सपोजर होगा वो आगे जाके स्कूल एनवायरमेंट में और कंफर्टेबल हो जाएंगे। और लास्ट में समराइज करने के लिए मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि इस एज के बच्चों को टिपिकली जो चीजें जो में उनका इंटरेस्ट होता है वो होते हैं राइम्स हो गए, कलर्स हो गए, शेप्स हो गई, एनिमल्स, साउंड्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, नंबर्स हो गया टिल अप टू 10, ABCD के आप उन्हें सॉन्ग्स दिखा सकते हो। तो ये जो वैरायटी होती है ये टिपिकली इस एज के बच्चों को एक्सपोजर देना इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज जब इसी एज के बच्चों से वो मिलते हैं तो वो भी टिपिकली इन्हीं बातों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी हाई होता है। स्कूल में भी इनिशियली जाके यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, स्पेशली प्ले ग्रुप्स में, तो दैट वेज देयर कॉन्फिडेंस लेवल इज़ अप दैट दे आर लर्निंग द सेम थिंग्स एट होम।
तो आप वो कर सकते हो। अनदर टिप मेरा यह है कि जब भी बच्चा टीवी देख रहा होता है, हमें लगता है कि हम थोड़ा काम कर लें क्योंकि अभी हमने उसको टीवी के सामने बिठाया है, बट बेटर ये है कि आप उसके साथ बैठें, आप साथ में राइम्स गाएं, आप साथ में डांस करें, बीच में उससे बात करें, जिससे कि कॉन्स्टेंटली उसका फोकस जो है वो टीवी पे नहीं रहता है और वो उसे ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। दूसरा, मैं आपको ये बता दूँ कि कबीर ये सारे जो हैं वीडियोज़ जो मैंने आपको बताया, ये सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं। तो हमारे जो टीवी है वो स्मार्ट टीवी है, जिस पर हम यूट्यूब उसे लगा देते हैं और फिर चैनल्स हम खुद चेंज करते हैं, तो उस तरीके से वो देखता है, सो दैट द कंट्रोल स्टिल लाइज विद अस। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट इज इट दैट किड्स शुड बी वॉचिंग एट दिस टाइम। हर बच्चे की पर्सनल चॉइस होती है, हर पेरेंट का अपना एक स्टाइल और अपनी चॉइस होती है, सो यू कैन डेफिनेटली गो विद व्हाट यू वांट। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई सी दिस वर्किंग फॉर कबीर एंड हेंस आई वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। बाय बाय।